टेंथ पॉलिनोमियल वर्कशीट वन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है ये के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन। तो यहाँ इन्होंने बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसके वेरिएबल होते हैं ये एक्स और कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि ये के हो गया, वन हो गया, ठीक है। तो जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर टू हो उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका वन ऑफ द जीरो यहाँ इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जिसकी डिग्री टू होती है, मतलब मैक्सिमम पावर टू होती है, उसके दो जीरोज़ होते हैं, तो इन्होंने एक जीरोज़ दिया हुआ है, ठीक है। अब जीरोज़ क्या होते हैं, वो वैल्यू जो हम इस इक्वेशन में एक्स की जगह पुट करें तो जो आंसर है वो ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो वो वन ऑफ द जीरो दिया हुआ है माइनस थ्री, मतलब हम इसमें एक्स की जगह अगर माइनस थ्री पुट करते हैं, के माइनस वन एक्स की जगह माइनस थ्री उसका स्क्वायर प्लस के एक्स की जगह माइनस थ्री प्लस वन, तो ये आंसर जो है इक्वल टू ज़ीरो के होगा, क्योंकि माइनस थ्री जो है इस इक्वेशन का जीरोज़ है। तो देन वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है हमें, तो ये जो के वेरिएबल है यहाँ पर, सॉरी कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्व करते हैं थोड़ा, के माइनस वन एज इट इज़, माइनस थ्री का स्क्वायर जो है प्लस का नाइन हो जाएगा, और यहाँ माइनस थ्री इंटू के माइनस थ्री के प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो नाइन के माइनस नाइन माइनस थ्री के प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। नाइन के में से थ्री के माइनस होंगे तो ये बचेगा सिक्स के, और माइनस नाइन और प्लस वन बचेगा माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो, एट को उधर भेज देते हैं, सिक्स के इक्वल टू एट, के की वैल्यू आ जाएगी एट बाय सिक्स, टू से कट कर देते हैं क्योंकि हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो टू फोर या एट, टू थ्री या सिक्स, तो ये आ गया फोर बाय थ्री, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो जैसे यहाँ पे आपको बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, यहाँ इन्होंने पूछा सिर्फ पॉलिनोमियल क्या है, सिर्फ पॉलिनोमियल में क्या है, जो एक्स है उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए, यानी कि एक तरह से नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, या होल नंबर भी चलेगा, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो आपको सिर्फ कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे कि आपको दिया हुआ है फाइव, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें जो है इसकी जो एक्स की पावर है वो है ज़ीरो है, तो ये खाली कॉन्स्टेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो देखिए इन सब में तीनों में तो एक्स और वाई कोई भी वेरिएबल हो उसकी पावर पॉजिटिव है, लेकिन इस डी पार्ट में वन बाय में आया हुआ है, तो ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये हमारा होगा डी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है, इफ टू एंड थ्री आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल जो हमें दी हुई है ये भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए एक्स की पावर टू है, तो इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m, और अभी आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था आपको, जिसकी पावर जो है x की पावर 2 तक हो वो क्वाड्रेटिक होती है, और उसके दो जीरोज होते हैं, मतलब दो ऐसी वैल्यू होती हैं जो इसमें पुट करने पे इसका आंसर जीरो आ सकता है। तो इन्होंने दोनों दी हुई हैं, इफ 2 एंड 3 आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो x की दोनों वैल्यू आपको गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ के और एम, जो इसमें यहाँ पे कांस्टेंट है के और एम, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू टू पुट करते हैं, तो एक्स इक्वल टू अगर हम टू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा थ्री टू का स्क्वायर माइनस टू के इंटू टू प्लस टू एम, और ये इसका जीरोज है, तो पुट करने के बाद हम इसके आंसर को इक्वल टू ज़ीरो रख सकते हैं। यहाँ पर देखो दो जीरो दिए हैं तो वेरिएबल भी दो हैं के और एम, तो इस तरह से हमारी यहाँ क्या है टू लीनियर इक्वेशन बनेंगी, उनको हम आपस में सॉल्व करके और दोनों कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, टू का स्क्वायर फोर थ्री जा ट्वेल्व माइनस टू टू जा फोर के प्लस टू एम इक्वल टू ज़ीरो, ये दोनों टर्म उधर भेज देते हैं, तो टू एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस का फोर के उधर जाएगा प्लस का फोर के, 12 प्लस का है उधर जाएगा माइनस का 12। नाउ ये 12 जो है इधर से इसके डिवाइड में भेज सकते हैं, तो m की वैल्यू आ जाएगी 4k को 2 से डिवाइड करेंगे 2k, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6। ये हमारी m की वैल्यू आ गई फर्स्ट इक्वेशन से, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। नाउ हमें दूसरा जीरो दिया x इक्वल टू 3, तो पुट कराते हैं x इक्वल टू 3 इस इक्वेशन में, फर्स्ट वाली में
इसमें, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू में 3 प्लस 2m, और ये भी इसका 0 है तो हम इसको भी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। नाउ 3 का स्क्वायर 9, 3 जा 27, माइनस 3 2 जा 6k प्लस 2m इक्वल टू 0। अब देखो ये जो m है इसकी जगह हम ये m की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो बाय यूजिंग इक्वेशन वन से m की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कराते हैं, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 6k प्लस 2, m की जगह हम रखवा रहे हैं 2k माइनस 6 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, 27 एज इट इज़ माइनस 6k प्लस 2 टू जा 4k और माइनस 6 टू जा 12 इक्वल टू 0। नाउ देखिए 6k में से 4k जाएंगे, यहाँ बचेगा 2k, तो माइनस का 2k बचेगा, और 27 में से अगर हम 12 माइनस कर दें तो यहाँ बचेगा प्लस का 15 इक्वल टू 0। ठीक है, 15 को उधर भेजेंगे तो माइनस 2k इक्वल टू माइनस 15, माइनस से माइनस चला गया और 2 यहाँ से कट के इसके नीचे चला जाएगा, तो k की वैल्यू आ रही है 15/2, और हमारे पास चारों ऑप्शन में k की वैल्यू 15/2 सिर्फ c ऑप्शन में है, तो हम डायरेक्ट जो है c को टिक कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी आप निकालना चाहें कि भाई m की वैल्यू 9 होगी या नहीं होगी, तो आप ये k की वैल्यू जो है आप इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में m हो जाएगा हमारा m इक्वल टू 2 इंटू k, 2 इंटू k की वैल्यू अभी हमारी आई थी 15 बाई 2 और माइनस में 6। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, 15 में से 6 जाएंगे तो m आ गया आपका 9, तो आप देख सकते हैं m 9 है। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो इट कैन बी अ लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो अब देखिए, पहले आपको बताता हूँ लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होता है। लीनियर होता है, मान लीजिए ये आपके एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर एक लाइन, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, लीनियर हो गया यहाँ पर या स्ट्रेट लाइन हो गया, तो अगर कोई लाइन ऐसे स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, तो अब ये लाइन देखिए इस एक्स एक्सिस को यहाँ पर एक पॉइंट पर टच करके जा रही है, इस एक पॉइंट पर, और ये मैक्सिमम एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर टच कर सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये लाइन इस तरह से जा रही होती तो भी ये लीनियर है, लेकिन यहाँ पर एक्स एक्सिस को वो एक भी पॉइंट पर टच नहीं कर रही है क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक है, तो इसने पूछा है कि ओनली वन पॉइंट पर ही वो कट कर सकती है, मतलब मैक्सिमम वो वन पॉइंट पर कट कर सकती है, वो कौन सी इक्वेशन है, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो लीनियर ही है। ठीक है, लीनियर मैक्सिमम एक पॉइंट पर टच कर सकती है और मिनिमम जीरो होगा। इसी तरह से क्वाड्रेटिक की बात करें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है इस तरह से कर्व, जैसे कि ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख रहे हो ये दो पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच कर रही है, मैक्सिमम ये दो पॉइंट पर टच कर सकती है। अदरवाइज मान लीजिए ये जो कर्व है ये आपका इस तरह से बना होता, तो यहाँ पर क्या है, ये कर्व एक पॉइंट पर टच कर रहा है, और मान लीजिए ये कर्व जो है इस, सॉरी, ये कर्व इस तरह से बना होता या ऐसे बना होता, ऊपर से ही जा रहा है या यहाँ से जा रहा है, ये एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे नहीं टच कर रहा, तब भी ये सारी जो कर्व बनाए हैं मैंने ये सारे क्वाड्रेटिक हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, मैक्सिमम दो पॉइंट पे टच कर सकता है, एक पॉइंट पे भी टच कर सकता है और जीरो पॉइंट पे भी टच कर सकता है एक्स एक्सिस को, लेकिन मैक्सिमम दो होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम वन की बात की है, तो इसलिए ये हो गया आपका, इसका तो आंसर लीनियर हो गया। या हम क्वाड्रेटिक की बात करें, क्वाड्रेटिक किस तरह की होती है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर सिक्स क्वेश्चन में पूछा है, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप ग्राफ देख रहे हो इस तरह का है, इस शेप को बोला जाता है पैराबोला। ठीक है, तो ये शेप है पैराबोला, तो यहाँ पे यही पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमने क्वाड्रेटिक के ग्राफ बनाए सारे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो आंसर होगा आपका
पैराबोला, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ये रहा, और हाइपरबोला की जो है शेप अलग होती है इस तरह से, ठीक है। और हाइपरबोला में क्या होता है, दो कर्व होते हैं, एक ये कर्व होगा एक इधर कर्व होगा, जबकि यहाँ तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं तो उसमें सिंगल कर्व ही चाहिए, तो वो अभी कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब करते हैं इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप देख रहे हो ये वाला जो है इस तरह का ग्राफ है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये इस तरह का है दो पॉइंट पे टच कर रहा है, ये भी क्वाड्रेटिक है, वो यहाँ से नीचे से जा रहा है वो भी क्वाड्रेटिक है, सिर्फ ये वाला क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि इसमें कर्व जो है दो बार मुड़ रहा है, ठीक है। तो हम थर्ड कॉन्सेप्ट क्यूबिक पॉलीनोमियल की अगर यहाँ बात करें तो क्यूबिक का ग्राफ किस तरह से बनता है, ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, क्यूबिक का जो ग्राफ है वो मैक्सिमम तीन बार एक एक्सिस को कट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक बार यूं गया, फिर वापस मुड़ा, फिर इधर गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स एक्सिस को इसने 1, 2 और 3 टाइम्स जो है कट किया है, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलीनोमियल का ग्राफ थर्ड वाला, ठीक है। और क्यूबिक पॉलीनोमियल की जो डिग्री होती है वो 3 होती है, एक्स की पावर उसमें 3 होता है, तो अगर आप उसके नंबर ऑफ जीरोज भी निकालते हो तो वो भी 3 निकलते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्राफ दिया हुआ है डी, ये क्यूबिक का है, इसमें से पूछा था कौन सा क्वाड्रेटिक का नहीं है, तो ये हो गया आपका डी ऑप्शन। ये तीनों क्वेश्चन हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1 इज 2+√3 देन अदर जीरो विल बी। तो इक्वेशन आपको दी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1 और इसके आपको एक जीरो दिया हुआ है, अदर जीरो निकालना है। तो एक आपको x की वैल्यू दी हुई है 2+√3, ये वैल्यू है जो अगर हम इसमें x की जगह पुट करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, ठीक है। तो नाउ दूसरी आपको x की वैल्यू निकालनी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर एक्स और थर्ड कांस्टेंट होता है उसको हम ए बी और सी मानते हैं। तो यहाँ पे ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, वो क्या है 1 है, बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट वो है -4 और सी होता है कांस्टेंट वो है आपका 1, ठीक है। और एक जीरो को हम लिखते हैं अल्फा और जो दूसरा जीरो हमें फाइंड करना है एक्स की जो दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है उसको लेते हैं बीटा। तो अल्फा बीटा ए बी सी यानी कि ए बी सी हो गए कोफिशियंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा बीटा हो गए जीरोस, इनके बीच दो रिलेशन होती हैं, एक तो होती है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, एक होती है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। तो इन दो में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ करके अल्फा बी और ए पुट करके बीटा निकाल सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अल्फा की वैल्यू आपको दी हुई है 2+√3, प्लस में बीटा हमने फाइंड करना है इक्वल टू माइनस बी, बी ऑलरेडी माइनस का 4 है तो -4 वो +4 हो जाएगा, अपॉन में ए, ए आपका 1 है तो अपॉन में 1 लिखने का कोई फायदा है नहीं। तो ये हो गया 2+√3 बीटा, माइनस माइनस प्लस ये हो गया है, प्लस का 4 आएगा सिर्फ, और 2+√3 को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा -2 -√3, यहाँ बचेगा सिर्फ बीटा, 4 में से 2 गया 2-√3, ये आपका सी ऑप्शन है। इस तरह से आप चाहो तो सेकंड वाली इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, किसी से भी इसको निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका हो सकता है हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें और सॉल्व करके जो है दोनों जीरोज निकालें, और एक जीरो तो यही है दूसरा जीरो आपका आ जाएगा, वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, ये इजी है, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन, द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपको दी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6r, तो इसके जीरोज निकालने हैं। तो जैसे इसमें आपको बताया कि हम इस इक्वेशन को ही सॉल्व करके जीरोज निकाल सकते हैं, तो वैसे इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके जीरो निकाल सकते हैं। इसको देखो सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दोनों आपको समझा देता हूँ। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं इस तरह से कि जो दो टर्म में हम स्प्लिट करेंगे उन दोनों का सम तो ये 5x आना चाहिए और उन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो 6 और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए। तो 6 और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कितना है 6x² और सम आना चाहिए 5x, ऐसे आपको दो नंबर्स में स्प्लिट करना है 5x को। तो देखिए हम ऐसे कर सकते हैं 2x और 3x, क्योंकि 2x प्लस 3x जो है वो 5x होता है, और 2x इंटू 3x करेंगे तो वो 6x² आएगा। तो 5x को स्प्लिट कर लेते हैं,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स, क्योंकि इन दोनों का सम फाइव ही होता है, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं प्लस में सिक्स। और हम इसके जीरोज फाइंड कर रहे हैं, तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वल टू जीरो मान के चल सकते हैं, तभी हमें जीरोज मिलेंगे। नाउ पहली दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस टू, और लास्ट दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन ले लेते हैं, ये अगेन हो जाएगा x प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों में से x प्लस टू कॉमन ले लेते हैं, इसमें बचेगा x और इसमें बचेगा 3 इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई जीरो के इक्वल है, तो इधर ये जीरो है और ये जीरो है, तो हम दोनों को अलग अलग रखेंगे, x प्लस टू इक्वल टू जीरो और x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। टू उधर जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू, थ्री उधर जाएगा तो ये माइनस थ्री। तो ये दोनों हमारी जो हैं x की वैल्यूज आ गई हैं माइनस टू और माइनस थ्री, तो ऑप्शन हो गया हमारा ए। दूसरा तरीका मैं बता रहा था आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो वो भी सीख लेते हैं इसमें। तो देखो ये जो इक्वेशन आपको दी है, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट यानी कि ए, जो यहाँ पे बात हुई थी हमारी ए बी और सी, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट ए जो है वो गिवन है हमें 1, बी जो है वो एक्स का कॉफिशेंट 5 और सी जो है वो कॉन्स्टेंट 6। और एक्स की वैल्यू निकालने का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ पर अगर b की वैल्यू डालेंगे तो ये x की वैल्यू आएगी माइनस b की वैल्यू 5 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू ए 1 है और c है 6, तो 4 6 जाओगे 24, 24 में से 25 जाएगा 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, अपॉन में 2a और a कितना है आपका 1 ही है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस 25 में से 24 गया 1, 1 का रूट 1 और अपॉन में कुछ अपॉन में 2 इंटू 1 जो है 2 हो जाएगा। तो ना अब यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले में क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों होते हैं, तो हम एक बार प्लस वाला लेंगे पार्ट, एक बार माइनस वाला लेंगे, दोनों हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएंगी, तो एक्स की वैल्यू एक होगी माइनस 5 प्लस 1 बाई 2 और एक होगी माइनस 5 माइनस 1 बाई 2। माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 बाई 2, तो ये हो गया माइनस 2 और यहाँ पर माइनस 5 और माइनस 1 माइनस 6 बाय 2, तो ये हो गया माइनस 3। तो इससे भी आप देख रहे हो कि सेम वैल्यू आ रही है। और देखो ये तो जब है जब आपको ऑप्शन ना दिए हों, अगर मान लो आपको ऑप्शन दिए हैं तो एक और शॉर्टकट मेथड हो सकता है, यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह से, अगर मान लीजिए फर्स्ट वाला हमें ट्राई करना है, तो फर्स्ट वाला माइनस 2 और माइनस 3 ये जीरोज़ की वैल्यू है, मतलब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा चेक कर लें क्या माइनस बी बाई ए के इक्वल आ रहे हैं, तो माइनस 2 प्लस माइनस 3, माइनस 2 और माइनस 3 को ऐड करना है इक्वल टू माइनस बी, बी का मतलब 5, तो माइनस 5 बाय ए कितना है 1, तो ये देख रहे हो आप माइनस 2 और माइनस 3 कितना आ रहा है माइनस 5, इधर भी आ रहा है माइनस 5, दोनों सही है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। जबकि बाकी में देखोगे 3 प्लस 4 7 होता है, वो माइनस 5 के इक्वल नहीं है, 3 प्लस 2 5 वो भी माइनस 5 के इक्वल नहीं है, 2 प्लस 1 3 वो भी माइनस 5 के इक्वल नहीं है, तो इससे आप पोरली जो है देख के बता सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको मिड टर्म करना भी आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आ गया और डायरेक्ट सॉल्व करना भी आ गया। नेक्स्ट है जीरोज ऑफ पी एक्स, जेड स्क्वायर माइनस 27, जेड स्क्वायर माइनस 27 आर, इसके जीरोज निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं, तो हम इसको देखो जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि क्योंकि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर, तो जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू तो बन नहीं रही है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह से निकालेंगे, तो यहाँ तो डायरेक्ट आ जाएगा ये 27, आप उधर भेजिए जेड स्क्वायर इक्वल टू ये प्लस का 27 हो जाएगा, अब स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो जेड हो जाएगा 27 का अंडर रूट, और अंडर रूट हमेशा प्लस और माइनस दोनों में होता है। अब 27 को अगर आप
थ्री के फैक्टर्स में लिखो तो 3 × 3 9, 3 × 27 ऐसे लिख सकते हो, और दो का एक पेयर बाहर आ जाता है, तो ये दो थ्री जो है बाहर आ जाएंगे, एक थ्री हो जाएगा बाहर और अंदर बचेगा एक थ्री, तो ये आ रहा है प्लस माइनस 3√3, ये आपका ए ऑप्शन है, ठीक है। नाउ यहाँ पर टेंथ क्वेश्चन में द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, आपको पॉलीनोमियल दी है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ओपन भी कर लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल फाइंड करना है। तो इसके भी दो तरीके हैं, या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, अदरवाइज जो है इनको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए चेक कर लीजिए, ठीक है। तो सॉल्व ही कर लेते हैं, यहाँ पर पहले दोनों में से हम एक तो बी को, यहाँ पर जो है मल्टीपल स्प्लिटिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी चार टर्म्स हैं, दो का एक पेयर लेंगे, दो का एक पेयर लेंगे, स्प्लिटेड ऑलरेडी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर मान लीजिए हम बी और एक एक्स कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बचेगा ए और एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स बचेगा प्लस में, यहाँ बी स्क्वायर है, एक बी गया तो बी बचेगा, एक्स बाहर जा चुका है, ये बचा। इन दोनों में से माइनस और दोनों के पास सी है तो सी कॉमन ले लेते हैं, इसमें बचेगा ए एक्स और इसके पास माइनस दोनों से बाहर जा चुका है, यहाँ सिर्फ बी बचेगा, सी भी बाहर जा चुका है, इक्वल टू ज़ीरो। ना ये दोनों टर्म्स में से ए एक्स प्लस बी को कॉमन ले लो, ए एक्स प्लस बी, तो इसके पास बचेगा बी एक्स माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो। एक बार इसे ज़ीरो के इक्वल रखते हैं, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, तो ए एक्स इक्वल टू माइनस बी और ये ए नीचे जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए सिर्फ सी पार्ट में है तो ये आपका ठीक है। और इससे भी अगर निकालें तो बी एक्स माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो, माइनस सी उधर जाएगा, बी एक्स इक्वल टू सी और एक्स इक्वल टू सी बाय बी, तो ये दूसरा आपका जीरो सी बाई बी आ रहा है। और आप डायरेक्ट इनको ऐड करके माइनस बी बाई ए के इक्वल रखते तो उससे भी आपको पता चल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पॉलीनोमियल हैविंग जीरोज माइनस टू और फाइव। तो देखो इसमें आपको पॉलीनोमियल के दो जीरोज दिए हुए हैं, तो मैक्सिमम दो जीरो किसके होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही जीरोज हैं। तो आपको यहाँ पर अल्फा दिया हुआ है माइनस टू और बीटा दिया हुआ है फाइव, तो अगर आपको कभी जीरोज दिए हुए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछें, यहाँ तो जैसे पूछी नहीं है फिर भी पूछें, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो, तो ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कराएं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस टू प्लस फाइव एक्स प्लस, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस टू फाइव जै टेन, माइनस टेन आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये 5 में से 2 जाएगा 3, तो माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो इसने पूछा कितनी ऐसी पॉलीनोमियल्स बन सकती हैं, तो अब जैसे एक तो पॉलीनोमियल ये बन गई, ठीक है, लेकिन अगर हम मान लीजिए इसको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, जैसे कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 20 इक्वल टू जीरो, तो ये भी एक वो पॉलीनोमियल है जिसके अगर आप जीरोज निकालोगे तो यही आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो क्या है अल्फा प्लस बीटा बाय सॉरी माइनस बी बाय ए है, तो ए यहाँ वन था, यहाँ जब टू से डिवाइड होगा तो माइनस सिक्स बाय टू, अगेन सेम माइनस थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 से करो 4 से करो, तो इसकी इनफाइनाइट जो है पॉलीनोमियल्स बन सकती हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा डी मोर देन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एवरी रियल नंबर इज द जीरोज ऑफ जीरो पॉलीनोमियल। जीरो पॉलीनोमियल मतलब जिसकी जो डिग्री है वो ज़ीरो है, ठीक है, तो ज़ीरो डिग्री का मतलब एक्स की पावर जो है ज़ीरो है। फॉर एग्जांपल हम एक पॉलीनोमियल ले लें 2x की पावर ज़ीरो, ठीक है, तो 2x की पावर ज़ीरो का मतलब क्या है, किसी की पावर ज़ीरो होती है तो वो 1 होता है, तो ये एक तरह से किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा, ठीक है, या जैसे कि यहाँ 2 न लिखे कोई कांस्टेंट होता k, तो उसका आंसर क्या है वही सेम कांस्टेंट आता। तो अब इसमें अगर हम इस पॉलीनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो डालेंगे, इसको इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो x की वैल्यू तो जो है आएंगी नहीं, ठीक है, x की वैल्यू कैन बी एनी नेचुरल नंबर,
या रियल नंबर, तो यहाँ पर एवरी रियल नंबर इज़ द जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल के जो जीरोज़ हैं वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एवरी रियल नंबर हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ पी एक्स जो है एक्स माइनस वन है और जी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, तो पी एक्स जो है जी एक्स का फैक्टर है, मतलब पी एक्स का जो जीरो होगा वो जी एक्स के भी जीरो के इक्वल है, तो हमें चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो पी एक्स का जीरो, पी एक्स जो है अगर हम जीरो के इक्वल रखते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वन। ठीक है, ये वैल्यू इस जी एक्स की भी जीरो है क्योंकि ये इसका फैक्टर है, इन्होंने बोला है। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू इसमें पुट करा के देखते हैं, अगर हमारा आंसर जीरो आ गया तो ये इसका फैक्टर है। तो जी एक्स जो है हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, तो हम जी ऑफ वन चेक करते हैं, यहाँ पे होगा वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस वन, वन का स्क्वायर हो गया वन, माइनस में ये टू और प्लस में वन, तो वन प्लस वन टू, टू में से टू गया ज़ीरो, तो ये जो है ज़ीरो के इक्वल आ रहा है, तो ये इसका फैक्टर है, तो ये हो गया आपका ए ऑप्शन ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ज़ीरोज अल्फा एंड बीटा ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस के आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा आपको गिवन है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू वन आपको गिवन है, तो आपको वैल्यू ऑफ के निकालनी है। तो अब इसमें देखिए जो फॉर्मूला होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज और कॉफिशेंट का, वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस सेवन बाय ए, ए है यहाँ पर वन, और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, सी यहाँ पर क्या है के बाय में वन। ठीक है, तो बाय में वन की तो कोई वैल्यू होती नहीं है और ये माइनस माइनस जो है आपका प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वेशन जो है बन जाएगी आपकी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू प्लस का सेवन। अब हमें ये दोनों इक्वेशन अगर सॉल्व कर लें तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ सकती है और वो अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ डाल के के की वैल्यू आ सकती है क्योंकि इन्होंने के की वैल्यू फाइंड करने को बोला है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, अल्फा अल्फा टू अल्फा, बीटा और बीटा कैंसिल हो जाएंगे, प्लस बीटा और माइनस बीटा है, सेवन प्लस वन एट, टू से डिवाइड करेंगे तो अल्फा आ जाएगा एट बाई टू फोर, ये अल्फा आ गया। अब इस अल्फा को अगर सेकंड इक्वेशन में पुट कराएं तो फोर प्लस बीटा इक्वल टू सेवन है, फोर उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, बीटा इज इक्वल टू सेवन माइनस फोर थ्री, तो बीटा की वैल्यू थ्री आ गई। अब ये फोर और थ्री यहाँ पुट करते हैं तो 4 इंटू थ्री ये है k की वैल्यू, तो k आ गया 4 3 जा 12, तो आपका ये जो है b ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो सम ऑफ जीरोज का मतलब इसके जो अल्फा प्लस बीटा होते हैं, तो अल्फा और बीटा का सम ये हमें पता है ये माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है ये माइनस माइनस ये रहा बी, बी को इन्होंने लिखा है कॉफिशेंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कॉफिशेंट ही होता है बी, और अपॉन में ए, ए को लिखा है कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट ही होता है, तो ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दी है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस ए, द वैल्यू ऑफ ए आपको फाइंड करनी है, द वैल्यू ऑफ ए आपको दिया भी है इज माइनस ट्वेल्व, ए की वैल्यू आपको दी है माइनस ट्वेल्व, और इफ थ्री अल्फा प्लस टू बीटा, थ्री अल्फा प्लस टू बीटा इक्वल टू ट्वेंटी भी आपको दिया है, तो ये आपको चेक करना है कि ए की वैल्यू माइनस ट्वेल्व है या नहीं है। तो अब देखिए इस इक्वेशन में हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए बोल सकते हैं, माइनस ऑफ माइनस ए सिक्स अपॉन में ए वन है, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा सिक्स। अब यहाँ से अगर मान लीजिए अल्फा की वैल्यू हम निकालें, सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं, एलिमिनेशन करा सकते हैं कोई भी इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करने के लिए, तो सब्स्टिट्यूशन करा लेते हैं, अल्फा की वैल्यू होगी सिक्स माइनस बीटा, वो इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाएगा थ्री इंटू सिक्स माइनस बीटा
प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, 6 3 जा 18, माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, और ये 18 उधर जाएगा, 20 में से 18 माइनस होगा तो 2 बचेगा, माइनस 3 बीटा में से प्लस 2 बीटा जाएगा तो माइनस का बीटा बचेगा, बीटा की वैल्यू आ गई माइनस 2। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो अल्फा हो जाएगा 6 माइनस माइनस 2, तो हो जाएगा 6 प्लस 2 8, अल्फा आ गया आपका 8। और देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए, सी है आपका ए अपॉन में ए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है, तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर ए है, ये ए जो है वो आपका सी बाय ए वाला ए नहीं है, ये यहाँ पर ए जो है वो सी की वैल्यू है, ठीक है। और ए की वैल्यू आपको क्या दी है, माइनस 12, तो ए की वैल्यू आपको माइनस 12 दी है, और यहाँ पर अल्फा और बीटा की पुट कराएं तो 8 इंटू माइनस 2 ये आ रहा है आपका माइनस 16, और उधर है माइनस 12 जो कि इक्वल नहीं है, तो ये आपका जो है फॉल्स हो गया। अगर यहाँ पर माइनस 12 की जगह माइनस 16 होता तो ये ट्रू हो जाता, ठीक है। तो ये थी पॉलीनोमियल वर्कशीट 1, इसकी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और नेक्स्ट जो पीडीएफ है वर्कशीट 2 वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।